हेलो गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांजिस्टर्स, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसकी सिंबल्स, बेसिक्स और इसकी जो सर्किट्स हैं, कॉन्फ़िगरेशंस हैं, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, हमने लास्ट लेक्चर में उसको सरसरी सा डिस्कस किया था। तो कौन सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है भाई, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर, क्यों, वाई? उसकी दोनों गेन अच्छी होती हैं, करंट गेन भी और वोल्टेज गेन भी। ठीक है, ये आगे हम ड्राइव करेंगे, ईसीडी का कोर्स आएगा, उसमें भी हम इस पे बड़ी डिटेल में इसकी पूरी डेरिवेशन करेंगे, डीसी एनालिसिस करेंगे, फिर एसी एनालिसिस करेंगे। डीसी एनालिसिस में करेंगे हम उसका क्यू पॉइंट सेट करेंगे, और एसी एनालिसिस में हम उसकी गेंस वगैरह कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, वो अगले कोर्स में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन में जाके, अभी तो हम इसको बेसिक्स कर रहे हैं। एनएनपी ट्रांजिस्टर हैज़ अ डीसी करंट गेन वैल्यू ऑफ 200 बीटा, उसका 200 है। कैलकुलेट द बेस करंट रिक्वायर्ड टू स्विच अ रेजिस्टिव लोड ऑफ 4 मिली। अब ट्रांजिस्टर पे जो लोड है उसमें, वो यानी आईसी की बात कर रहे हैं, यानी आईसी को अगर हम कह लें कि ये लोड, इसको ले लें आरसी जो है ना, उसको हम समझ लें कि ये लोड है, आरएल है, उसको 4 मिली करंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रिले है, रिले जो होती है उसको 4 मिली करंट देना होता है। तो आईसी कितना आ गया, 4 मिली। अब बीटा कितना है इसका, 200। तो अब आपको मैंने पहले बताया था कि ये करंट आईसी किसकी वजह से फ्लो होता है, आईबी की वजह से। आईबी जीरो होगा, आईसी जीरो होगा, चाहे बैटरी लगी हुई है, चाहे सर्किट सारा कनेक्ट है, लेकिन रिले नहीं चलेगी। तो आईबी में कितना करंट फिर आपको देना है, तो वो कैसे निकालोगे, आई सी इक्वल टू बीटा आई बी, तो आई बी इक्वल टू आई सी ओवर बीटा। तो आई सी कितना है, 4 मिली, कैलकुलेटर निकाल लो साथ साथ, 4 मिली तकसीम 200, तो उतना बेसिकली आपको जो है वो करंट इसमें चाहिए होगा। कितना आता है, ट्वेंटी माइक्रो? हाँ जी, 20 नहीं, हाँ 20 माइक्रो। अब देखिए, ये यहां से भी एक चीज समझें कि बेस करंट कितना है, 20 माइक्रो, बड़ा कम है, लेकिन आउटपुट पे करंट कितना है, 4 मिली। बात समझ आई? और ये जो 4 मिली है, इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय आईबी। ठीक है, तो अब इसमें हमने देखा कि हमने आईबी निकालना सीखा। ठीक है, अगर हमें लोड करंट बताया पता हो और बीटा पता हो, तो हम उसे आईबी निकाल सकते हैं। ठीक है, वन अदर पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट एनपीएन ट्रांजिस्टर्स, द कलेक्टर वोल्टेज वीसी मस्ट बी ग्रेटर एंड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द एमिटर टू अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू द ट्रांजिस्टर बिटवीन कलेक्टर एमिटर जंक्शन। वो तो ऑब्वियस ही बात है कि करंट कहाँ से फ्लो करता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में। तो वीसीई इज बेसिकली वीसी माइनस वीई। वीसी क्या होगा, देखें ये वी सी ई है ना, वी सी ई, हम इसको यूं लिख सकते हैं कि वी सी माइनस वी ई। इसका रेफरेंस क्या है, ग्राउंड कह लें आप, और इसका रेफरेंस है ग्राउंड। तो वी सी ई क्या होगा, दिस माइनस दिस। तो करंट तभी फ्लो करेगा ना जब वी सी ग्रेटर होगा वी ई से, तभी तो करंट फ्लो करेगा। ठीक है, करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में फ्लो करता है। अच्छा, एंड देर इज ऑल्सो वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन द बेस एंड अमीटर टर्मिनल ऑफ अबाउट 0.7 वोल्ट, जो डायोड का वोल्टेज ड्रॉप होता है, बिकॉज इसमें डायोड ही है, टू डायोड मॉडल हमने देखा था। ठीक है, फॉर द सिलिकॉन डिवाइसेज एज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर आर अ फॉरवर्ड बायस डायोड, देन द बेस वोल्टेज वी बी ऑफ द एनपीएन ट्रांजिस्टर मस्ट बी ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट, अदरवाइज ट्रांजिस्टर विल नॉट कंडक्ट। अच्छा, इसका सर्किट मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा चलें, इसका सर्किट यहाँ पे तो नहीं है, मैं आपको बना के एक दिखाता हूँ इसका सर्किट। एक जैसे ये आपका ट्रांजिस्टर है, ये देखें, ठीक है, अब इसमें ये आपका वीबी है, ये आपका आरबी है, ये है 0.7 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ग्राउंड, एंड दिस इज योर आरसी, और ये आपका वीसीसी है। ठीक है, ये आपका क्या है, वीसीई। अब पिछले क्वेश्चन में आईसी कितना था, ये नोट करते जाएं, आईसी कितना था, 4 मिली, बीटा कितना था, 200, और बीटा को एचएफई भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो इसमें आई बी हमने निकाला, वो कैसे निकाला, आई सी ओवर बीटा, तो वो कितना निकला था, 20 माइक्रो। अब इशू ये है कि इसमें आपने 20 माइक्रो गुजारना है, तो आपका यहाँ पे करंट आई सी उतना फ्लो करेगा, ऐसा ही है। अब आर बी कैसे डिजाइन करेंगे, आर बी की वैल्यू होगी वी बी माइनस वी बी ई
ये 0.7 है बेसिकली VBE, ये देखा ना, कलेक्टर बेस एमीटर VBE, तकसीम करंट, आर भी निकला है, सही है। अच्छा अब आरसी गिवन है, वीसी गिवन है, तो वीसीई कैसे निकालेंगे हम, वीसी विल बी इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी, वहां से आपका वीसीई निकल आएगा। ये आगे हम करते हैं बेसिकली, ये क्वेश्चन भी करेंगे आगे हम। अच्छा आईबी इज द बेस करंट, वीबी इज द बेस बायस वोल्टेज, वीबी इज द बेस मीटर वोल्टेज ड्रॉप 0.7, आरबी इज द इनपुट रेजिस्टेंस। ये देखो एन एनपीए ट्रांजिस्टर हैज अ डीसी बेस बायस वोल्टेज, वीबी 10 वोल्ट का बेस वोल्टेज है, इनपुट रेजिस्टर कितना लगा हुआ है 100K। वट विल बी द वैल्यू ऑफ बेस करंट, सिंपल क्या होगी, 10 माइनस 0.7 तकसीम आरबी, आरबी कितना है 100K, करें हैं जरा कैलकुलेट, 10 माइनस 0.7 तकसीम 100 किलो ओम कितना आ रहा है, 93 माइक्रो एम्पेयर, सही है 93 माइक्रो एम्पेयर। ये देखो ये आ गया सर्किट इधर, तो ये बेसिकली आपका जो है एक कॉमन एमिटर का सिंगल स्टेज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है। इसमें आप देखें, अच्छा ये इसको क्या कहते हैं, वोल्टेज डिवाइडर R1 R2, ये क्या कहते हैं इसको, वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है। यानी यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहे हैं इस पॉइंट पे, वो वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू आ रहे हैं ना आपके VCC, यानी R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VCC, ये पता है ना आपको VDR है, R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VCC, वो इतने वोल्टेज आ जाएंगे, सही है। इसको कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। अच्छा फिर इसमें ये कैपेसिटर लगा हुआ है C1, ठीक है, इसको कहते हैं कपलिंग कैपेसिटर। कैपेसिटर आपको पता है कि डीसी में ब्लॉक कर देता है और एसी में रास्ता गुजरने देता है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि हम प्रैक्टिकली ट्रांजिस्टर को स्टेजेस में इस्तेमाल करते हैं, 2 स्टेज 3 स्टेज एम्पलीफायर, यानी स्टेज में लगे होते हैं, जैसे ये 3 ब्लॉक्स लगे ना, 3 स्टेज है। अब इसकी वोल्टेज गेन है 10, उसकी वोल्टेज गेन है 10, उसकी वोल्टेज गेन है 5, तो ओवरऑल गेन क्या होगी, 10 × 10 × 5 कितनी बनती है, 10 × 10 100, 500 गेन बन जाएगी। आप इसको कहते हैं कैस्केडिंग या मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, समझ आई बात की। तो इस तरह अब हर ट्रांजिस्टर का एक क्यू पॉइंट सेट किया होता है आपने, जब उसके साथ दूसरा ट्रांजिस्टर अटैच करते हो ना तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्यों, वो रेजिस्टेंस आपस में इंटरफेयर करती है, उसकी RCA होती है या RB होती है, वो इंटरफेयर करती है, डीसी पॉइंट जो है ना उसका डिस्टर्ब होता है। तो उसको उससे बचने का तरीका क्या है कि कैपेसिटर बीच में लगा दो, क्योंकि कैपेसिटर आपको पता है डीसी को नहीं पास करने देता, तो एक कैपेसिटर एक स्टेज से दूसरी स्टेज का जो क्यू पॉइंट है वो डिस्टर्ब नहीं होता। हाँ जो एसी सिग्नल होता है वो पास कर जाएगा उसमें से, यानी कैपेसिटर एक ऐसा दरवाजा है जिससे एसी तो पास हो जाएगा, एसी वाला सिग्नल, लेकिन डीसी नहीं पास होगा, समझ रहे हो। तो इसको कहते हैं कपलिंग कैपेसिटर। ये बहुत डिटेल में आगे हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसको देखेंगे, यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स भी हैं, अगर आप अभी से सीखना चाहते हैं तो उसमें जाके बड़े डिटेल में ये चीज़ें बताएंगे। दूसरा देखें इसमें एक जो और पॉइंट नोट करने वाला, RL लगी हुई है नीचे, देखो एक रेजिस्टेंस लगी हुई है RE, एमिटर रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है, उसके साथ एक और कैपेसिटर भी लगा हुआ है, वो इसको देखो, ये जो एमिटर रेजिस्टेंस है ना, ये इस ट्रांजिस्टर की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ हो रही होती है, ठीक है, इसकी इसको यूं समझ लें कि बीटा इंडिपेंडेंट बना देती है, मतलब आपके सर्किट में अगर आपका ट्रांजिस्टर खराब हो गया आप दूसरे मॉडल का लगाते तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी अब आपके सर्किट की। लेकिन इस रेजिस्टेंस से और इस वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग से फायदा ये होगा कि आपका सर्किट बीटा इंडिपेंडेंट हो जाता है, यानी अगर आप मॉडल चेंज भी कर दोगे अपने ट्रांजिस्टर का तो सर्किट की प्रॉपर्टीज पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये खैर अगली बातें हैं, फिलहाल ये समझें कि यहाँ एक तो है कि डायरेक्ट ग्राउंड कर दें, एक है रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड कर दें विद एमिटर रेजिस्टेंस। लेकिन इस रेजिस्टेंस का नुकसान ये होता है कि ये रेजिस्टेंस आपकी गेन कम कर देती है, जो गेन होती है गेन, वो ये अगली बातें हैं, सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस ना गेन कम करती है, इसका नुकसान ये है। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई इसका इफेक्ट हम खत्म करें, हम इंजीनियर हैं, इसका इफेक्ट कैसे खत्म होगा, इसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा दें। क्यों, कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है, तो जब कोई भी रेजिस्टेंस हो उसके पैरेलल में शॉर्ट सर्किट आ जाए तो वो खत्म हो जाता है उसका इफेक्ट, तो इसलिए ये कैपेसिटर लगाया हुआ है। इसको बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर, ये याद रखना है आपने, C2 बाईपास कैपेसिटर, और C1 को बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर।
अच्छा, और ये जो बाइसिंग हुई है इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। बाइसिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। ये सबसे अच्छा मेथड है, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग कहते हैं इसको, VDR, क्यों? क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क लगा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें सिग्नल दिया हुआ बड़ा वीक, और वहाँ पर सिग्नल अच्छा खासा आपको तगड़ा मिल रहा है। ये एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ हो रहा है, एज एन एम्पलीफायर। देखें इसके तीन मोड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ, एम्पलीफिकेशन या एक्टिव, तीसरा कहते हैं सेचुरेशन। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसको सेचुरेशन में या कट ऑफ में यूज करते हैं, आइदर ऑन आइदर ऑफ, स्विच करवाते हैं, स्विचिंग। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज हैं इसमें हम इसको एज एन एम्पलीफायर भी स्टडी करते हैं, जिसमें ये एम्पलीफिकेशन के लिए यूज हो रहा है। छोटे छोटे सिग्नल को बड़ा सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा होता है। मसलन लाउड स्पीकर आपके होते हैं, आपके वूफर्स होते हैं, या ये जो लाउड, मतलब जहां पे आपको छोटे सिग्नल को बड़े सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें ये देखें छोटा सा सिग्नल है, उसको बहुत बड़ा सिग्नल में। और एक चीज और नोट करें, इसमें 180 डिग्री का फेस शिफ्ट है, यानी अगर आपका नीचे यहाँ पे है आपका फर्स्ट हाफ साइकिल, तो उधर ऊपर में वोल्टा हो गया 180 डिग्री। ये सिर्फ कॉमन मीटर में होता है, कॉमन बेस में और कॉमन कलेक्टर में ये प्रॉब्लम नहीं आता, ये मतलब उसमें इन फेज होता है। लेकिन इसमें आउटपुट और इनपुट जो होती है वो आउट ऑफ फेज होती है बाय 180 डिग्री, ओके। अच्छा, और ये इसकी जो है हम देखते हैं लोड लाइन, लोड लाइन कैसे प्लॉट करनी है। रेड वाली दो एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाल लें, पहले एक्स एक्सिस पे क्या होता है वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज कितना आएगा सप्लाई वोल्ट जब स्विच फुल ओपन होगा, तो वो देखें कितना आ रहा है आपके पास बैटरी के वोल्ट आएंगे वहां पे, VCC, VCE इज इक्वल टू VCC व्हेन IC इज इक्वल टू 0। और वाई एक्सिस पे देखें मैक्सिमम करंट क्या होगा जब आपका ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा फुल, ठीक है, तो क्या होगा VCC ओवर RC, सिंपल। तो देखें VCC ओवर RC, RC बेसिकली यहाँ पे RL है, तो ये मैक्सिमम करंट है, ठीक है। ये लोड लाइन प्लॉट हो गई आपकी, मैक्सिमम करंट मैक्सिमम वोल्टेज, तो एक स्ट्रेट लाइन आपने बना दी। अब ट्रांजिस्टर की कर्व्स आ रही हैं बीच में, अगर IB 0 हो तो ये वाली कर्व है, ये कट ऑफ रीजन है बेसिकली। IB बढ़ा दिया ये ट्रांजिस्टर का करंट बढ़ गया, और IB बढ़ाया, और IB बढ़ाया, और IB बढ़ाया, इधर तक बढ़ गया ये। अब क्यू पॉइंट क्या होगा कि जहां पे ट्रांजिस्टर की कर्व आपकी लोड लाइन को क्रॉस कर रही है, टच कर रही है, वो आपका क्यू पॉइंट होगा, उसको कहते हैं क्यू पॉइंट, कॉजिएंट पॉइंट। आगे बात समझ। अब आमतौर पे ये जो पॉइंट होता है ना, ये देखिए ये मिड में है, मिड में किसके मिड में है, ये सेंटर में है, और ये बैटरी का नॉर्मली हाफ होता है, जो 12 वोल्ट अगर वो बन रहे हैं VCC या जितने भी है, ये उसका हाफ है। और इसी तरह ये जो करंट मैक्सिमा है ये उसका हाफ है, ठीक है। ये इसको कहते हैं क्लास ए एम्पलीफायर। कौन सा एम्पलीफायर? क्लास ए एम्पलीफायर। ये बेहतरीन एम्पलीफायर होता है, इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये जो भी इनपुट सिग्नल आप देते हैं उसका फेथफुल रेप्लिका जनरेट करता है। अगर आप इस क्यू पॉइंट को ऊपर नीचे कर दोगे ना, तो आपकी जो साइन वेव होगी वो फिर क्या करेगी, वो पूरी पूरी नहीं आपके आउटपुट में आएगी, उसमें क्लिपिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि जब आप ये पॉइंट इधर ले आओगे तो यहां पे क्या होगा कि एक्स एक्सिस पे जैसे ही आपकी वेव टच हुई तो वो क्लिप हो जाएगी आपकी, समझे ना बात को। तो क्यू पॉइंट सेंटर में होने का मतलब ये है कि जो भी आप इस पे इनपुट दोगे वो बड़ी जबरदस्त आउटपुट आ जाएगी। अगर इस क्यू पॉइंट को नीचे कर दोगे, मसलन चले मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने क्यू पॉइंट अभी मेरा 60 माइक्रो के तकरीबन सेट है, 60 पे सेट लग रहा है ये, हाँ ये IB 60 माइक्रो पे है, इसमें IC कितना है बताएं, 40 मिली, ये देखें मिली 40 मिली। IB कितना है 60 माइक्रो, IC कितना है 40 मिली। मुझे अपना, मैं कहता हूं कि यार क्यू पॉइंट नीचे ले जाओ, अब क्यू पॉइंट मैं कहता हूं जी 20 माइक्रो पे ले जाओ, कैसे मुमकिन होगा ये? क्यू पॉइंट को मैंने 20 माइक्रो पे लेके जाना है, यानी करंट को क्या करना है, कम करना है ना। पहले IB कितना था, 60 माइक्रो, ये वाला IB ये 60 था पहले, अब इसको मैंने 20 करना है, तो कैसे करते हैं करंट को कम करने के लिए, क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे। यस, रेजिस्टेंस अगर मैं बढ़ा दूं तो मेरा क्यू पॉइंट नीचे आ जाएगा। मैं आपसे कहता हूं, मैं यहां पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा लेता हूं अगर भाई, अच्छा मैं कहता हूं भाई क्यू पॉइंट को ऊपर ले जाओ, 100 पे ले जाओ, रेजिस्टेंस कम कर देंगे। और डिजाइन कैसे होगा, VB माइनस VB ओवर IB। VB फॉर एग्जाम्पल इसमें है कितनी है, 12 वोल्ट है, कितनी है 12 वोल्ट, सपोज कर लें 12 माइनस 0.7 ओवर IB, 100 माइक्रो रखो तो RB निकल आएगी, 20 माइक्रो रखो तो RB निकल आएगी,
और 60 माइक्रो रखो तो उसकी आरबी निकल आएगी, यानी आपके पास आरबी की रेंज आ गई कि आरबी इतने से इतने रखोगे तो इतना करंट स्लाइड करेगा। अच्छा, अगर आपका करंट यूं स्लाइड कर रहा है आईबी, तो आईसी कितना स्लाइड करेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग देख लो कि उतना आईसी आपका स्लाइड कर रहा है। और फिर मैं आपसे पूछूं, मुझे वोल्टेज बताओ कितना ट्रांजिस्टर में जो वोल्टेज है वो कितना चेंज हो रहा होगा, तो वो आप इस पर चेक कर सकते हो एक्स एक्सिस के ऊपर कि इस पॉइंट पे वोल्टेज इतना आ रहा होगा, इस पॉइंट पे वोल्टेज इतना आ रहा होगा, और अगर इस पॉइंट पे तो हाफ आ रहा होगा। ठीक है, तो इस ग्राफ से आपने वीसी पढ़ना भी सीख लिया, आईसी पढ़ना भी सीख लिया, आईबी पढ़ना भी सीख लिया, और अगर मैंने पॉइंट क्यू पॉइंट को स्लाइड करना है वो भी आपने सीख लिया। बात समझ आई? सर्किट ये है, चल ऐसे रहा है। ओके, सर्किट ये देखो, लेकिन चल ऐसे रहा है। ओके, तो अब इसको आगे फर्दर जाते हैं हम मजीद डेप्थ के अंदर। ये देखें, द एसी लोड लाइन ऑपरेशन ऑफ अ सर्टेन एम्पलीफायर एक्सटेंड्स 10 माइक्रो एम्पियर अबव एंड बिलो द क्यू पॉइंट, यानी क्यू पॉइंट से 10 माइक्रो ऊपर जाता है, 10 माइक्रो नीचे, यानी 20 माइक्रो की पीक टू पीक है। ओके, करंट वैल्यू ऑफ 50 माइक्रो, यानी 50 माइक्रो है ना, तो 50 माइक्रो में 10 ऊपर कितना, 60, और 10 कम कर दो 40, यानी 60 से 40 तक की स्विंग है इसकी आईबी की। डिटरमाइन द रिजल्टिंग पीक टू पीक वैल्यूज ऑफ द कलेक्टर करंट आईसी एंड कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। ये देखो, इसको पढ़ना जरा अभी हम सीखते हैं। ठीक है, ये देखो, ये डायग्राम है, इसको हमें लाजमी आनी चाहिए, इसको पढ़ना हमें लाजमी आना चाहिए। अब हो क्या रहा है कि आईबी, ये देखें, ये यहां पे देखें 50 माइक्रो पे कह रहा है आपका क्यू पॉइंट सेट है। ये देखो 50 माइक्रो पे क्यू पॉइंट सेट है, और कहां से कहां तक स्विंग है, 60 और 40 के दरमियान स्विंग है इसकी। तो आईसी की स्विंग कहां से कहां तक होगी, ये कितनी बन रही है, 6 मिली, और ये कितनी बन रही है, 4 मिली। तो आईसी आपका 6 मिली एम्पियर से 4 मिली एम्पियर में मूव कर रहा है, यानी आपका सिग्नल अगर 50 से 60 माइक्रो 40 माइक्रो में जाता है, तो आईसी उस वक्त आपका 6 मिली से 4 मिली में जा रहा है। और वोल्टेज कितने चेंज हो रहे हैं, यहां पे देख लो 1 वोल्ट है, यहां पे कितना है, 2 वोल्ट है, वोल्टेज आपके 1 से 2 वोल्ट में स्विंग हो रहे हैं। ओके, ये ग्राफ पढ़ना आ गया। अच्छा जी, अब इसमें हम देखते हैं, इसको पढ़ देता हूं मैं आपके। प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ द फिगर शो दैट द कलेक्टर करंट वेरिंग फ्रॉम 6 मिली टू 4 मिली फ्रॉम पीक टू पीक वैल्यू ऑफ द 2 मिली। ठीक है, ये जो देखें, ये यहां पे बेसिकली ना 5 मिली आ रहा है यहां पे आईसी, और 5 से 6 और 4 के दरमियान मूव कर रहा है। पीक टू पीक कितना है, 2, 6 माइनस 4 पीक टू पीक। ओके, वो कितना बन रहा है, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 2 मिली। एंड कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज कहां से कहां तक कर रहा है, 1 से 2 वोल्ट में कर रहा है, और इसकी पीक टू पीक बताएं क्या है, 1 वोल्ट है। इसकी पीक टू पीक क्या है, 1 वोल्ट, 2 माइनस 1 1 वोल्ट। आगे बेटे समझ, ये है बेसिकली आपका ट्रांजिस्टर को, ये जो एम्पलीफायर समझना ना आपने, यहां से समझे कि जो आईबी है एक वीक सिग्नल है जो 40 से 60 माइक्रो में मूव कर रहा है, लेकिन ट्रांजिस्टर की वजह से अब आईसी आपको उसके कोरस्पॉन्डिंगली कितना मिल रहा है, मिलीज में चला गया उसके बिल्कुल रेप्लिका के तौर पे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो वीसीई कलेक्टर मीटर के वोल्टेज जो चेंज हो रहे हैं वो भी उस लिहाज से 1 से 2 वोल्ट में चेंज हो रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं जी। जी अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखें भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ट्रांजिस्टर की जिसको कहते हैं समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। अब इसमें ये सर्किट आपको गिवन है, ठीक है, अब इसमें मुझे सबसे पहले बताएं हमने निकालना क्या है, आई बी आई सी आई ई। ठीक है, आई ई क्या होगा, आई बी प्लस आई सी, पहले हमें आई बी निकालना है, फिर आई सी निकालेंगे हम बीटा से, बीटा आई बी करके, और आई ई क्या होगा, आई बी प्लस आई सी। फिर वी बी ई, ये तो हमें पता है 0.7 होता है बेस मीटर, ये हमें पता नहीं 0.7 वी बी ई। ठीक है, और वी सी ई कलेक्टर टू एमीटर, वो कैसे निकालेंगे हम, वी सी सी माइनस आई सी आर सी करके, और वी सी बी, वी सी बी क्या होगा कि वी सी ई माइनस वी बी ई, वो सर्किट का कानून लगा लेना कि वी सी बी इज इक्वल टू वी सी ई माइनस वी बी ई, यानी एमीटर को रेफरेंस बना लें, सही है सर्किट का सूत्र। अब आई बी क्या होगा, पहले देख के फटाफट बताएं, व्हाट इज आई बी, 5 माइनस 0.7 ओवर 10 के, शाबाश,
करें जरा कैलकुलेट करें इसको फटाफट, ये पेपर में आ जाओ उधर भी कर लेना भाई। अच्छा जी ये तो नहीं आएगा, इससे मिलता जुलता आप कह लें। कितना आ रहा है? आ गया। इसको बीटा से जरब दें, बीटा कितना है? 150। आईसी आ जाएगा, कितना आया? 6. अच्छा अब क्या करें कि आईबी और आईसी को ऐड कर दें, आईई आ जाएगा। ये देखो देखो थोड़ा ही फर्क है 64.5 और 64.9, इसलिए कहीं आगे जाके ना कई मरतबा हम अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे कि आईसी आईई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आईसी, लेकिन अगर आपने एक्यूरेटली चलना है तो दोनों को जमा करें। लेकिन वो आई भी होता माइक्रोज में, तो वो कह रहे हैं कि इसको महसूस ही नहीं होता, ठीक है, तो बहुत कम डेसिमल में जाके फर्क पड़ रहा है भाई। तीन करंट निकल आए, आई बी आई सी और आई ई। ओके अच्छा अब वी बी ई कितना है? 0.7। देखो इसमें ये क्या है, कलेक्टर बेस एमिटर। वी बी ई क्या है? वी बी ई ये वाला 0.7 वोल्ट। वी सी ई सर्किट का रूल लगा दो, सर्किट का रूल क्या होगा? सर्किट का रूल ये होगा कि दिस वोल्टेज केवीएल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है, तो दिस वोल्टेज वीसी इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, ऐसे ही है। तो ये आपका आ गया जी वीसीसी माइनस आईसीआरसी। ओके हल हो गया। आईसी कितना आया था अभी आपने कैलकुलेट किया? उस हाँ उसको दो जरा इससे जरा 100K से, 100 ओहम है, हाँ जी 100 ओहम से, ठीक है 100 ओहम से जरब दो इसको, और फिर 10 में से माइनस कर दो, ऐसे ही हुआ ना। किरचॉफ का वोल्टेज ला लगाए ना, वीसीसी इज इक्वल टू आईसीआरसी प्लस वीसीई, तो वीसीई इज इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी। करो जरा कितना आता है, ये देखें वीसी इज इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी, ये आ रहा 10 माइनस 64.5 मिली इंटू 100, 10 माइनस 3.55 वोल्ट। अच्छा मुझे ये बताओ इस वक्त ट्रांजिस्टर किस मोड में चल रहा है? कट ऑफ में है, सैचुरेशन में है, या एम्पलीफिकेशन या एक्टिव मोड में? क्यों? वीसीई क्या आ रहा है? कट ऑफ में होता तो वीसी कितना होना चाहिए था? कट ऑफ का मतलब क्या है? ओपन स्विच। तो अगर स्विच ओपन हो तो मैक्सिमम वोल्ट आएंगे, 12 वोल्ट ही आएंगे ना, क्योंकि देखो ना करंट जीरो होगा, करंट जीरो तभी हो सकता है जब आरसी के दोनों तरफ वोल्टेज बराबर हो, ऐसे ही है ना, तो 12 वोल्ट होंगे ना दोनों तरफ, फिर ही तो करंट जीरो होगा एज पर रूल्स चले। अच्छा अगर ये सैचुरेट होता, सैचुरेट का मतलब है कि इसके क्रॉस 0.1 वोल्ट आ रहे होते, या आप अज्यूम करें 0 वोल्ट आ रहे होते, यानी वीसी आपका ये तो 0.1 या उससे कम वोल्ट आ रहे होते, फिर वो सैचुरेट होता, तो यही है। अब वीसी ना आपका क्या है, फुल है ना 0.1 है, ये इन बिटवीन है कहीं 3.55, इट्स इन दी एक्टिव मोड एम्पलीफायर मोड, ये याद रखना है। इस तरह हम चेक करते हैं ट्रांजिस्टर को, राइट। तो ये जनाब आपने ये अब वी सी बी कैसे निकालना है, इस पे सर्किट का कानून लगाएं कि वी सी बी इज इक्वल टू वी सी ई माइनस वी बी ई, यानी एक रेफरेंस को सेड लें इसके अंदर, एमीटर एमीटर को एज अ रेफरेंस ले लेना, तो वी सी बी इज इक्वल टू वी सी ई माइनस वी बी ई, ये सर्किट का रूल है सर्किट के मुताबिक। तो वी सी ई हमने कैसे निकाला वो देखें, 3.55 माइनस वी बी ई हमारे पास कितना है, 0.7, तो करें जरा माइनस, कितना आ गया 2.85। ये देखें ना ये सर्किट का कानून, ये देखें वी सी ई इज इक्वल टू वी सी माइनस वी ई, ये वी सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे कहा है मैंने इसको, ठीक है, और ये भी विद रिस्पेक्ट टू, इसको अगर हम करते हैं वी सी माइनस वी ई तो ये वी सी ई बनता है। उसी तरह से ये देखें वी सी बी इज इक्वल टू वी सी ई माइनस वी बी ई, दिस इज सर्किट रूल के रेफरेंस चेंज हो गया ना। वी सी बी क्या है? कलेक्टर बेस के में डिफरेंशियल वोल्टेज, तो वो दोनों के एब्सोल्यूट वोल्टेज को अगर आप माइनस कर दें विद रिस्पेक्ट टू मीटर तो वो आ जाएगा, ये सर्किट का दिस इज दी सर्किट लॉ। तो भाई अब इसमें कितने करंट निकाले हमने, 3, कितने वोल्टेज निकाले, 3, 3 करंट 3 वोल्ट, टोटल कितने पैरामीटर हो गए, 6।
ये बीजेटी जो है ना, ये आपको बीजेटी अल्हम्दुलिल्लाह ये बीजेटी की आपको काफ़ी हद तक जो है आ गया आप, ठीक है, कि जिसमें तीन करंट तीन वोल्टेज। ओके यहाँ तक, ओके अब आगे चलते हैं। अच्छा अब ये देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर देखें ज़रा, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है आपका, इसमें आप देखें हमने देखें इसमें इसके सिंबल देखें पीएनपी नेडे है नियर, तो इसमें देखें आपका जो है वो एरो टुवर्ड्स दी दिस रेफरेंस है, मीटर ऊपर चला गया है, कलेक्टर नीचे आ गया बेस। अब इसमें क्या होगा कि आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ऊपर से करंट आ रहा है जो कि आगे स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। एनपीएन में क्या था कि आई सी प्लस आई बी इज इक्वल टू आई ई, ठीक है, ऐसे पिछला लेक्चर अवेलेबल है, आप जाके उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो इसमें जनाब देखें आपकी बायसिंग कैसे की हुई इसने, एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है, तो पी पे देखें पॉजिटिव लगाया हुआ बैटरी का, एन पे नेगेटिव है, और इसको रिवर्स बायस करना है कलेक्टर बेस जंक्शन को, तो इसमें देखें कलेक्टर पे नेगेटिव लगाया हुआ क्योंकि ये पी है, इसको नेगेटिव कर दिया और एन को यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा आपका, ठीक है। द पी एन पी ट्रांजिस्टर हैज़ अ वेरी सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स टू देयर एन पी एन बाइपोलर कजन्स, एक्सेप्ट दैट द पोलैरिटीज ऑफ बायसिंग ऑफ करंट एंड वोल्टेज डायरेक्शंस आर रिवर्स्ड फॉर एनी वन ऑफ द पॉसिबल थ्री कॉन्फ़िगरेशंस लुक्ड इन द फर्स्ट ट्यूटोरियल, कॉमन बेस, कॉमन मीटर, कॉमन कलेक्टर। जनरली पी एन पी ट्रांजिस्टर्स रिक्वायर अ नेगेटिव वोल्टेज एट देयर कलेक्टर टर्मिनल। मसलन यहाँ पे देखो ना, एन पी ए में आप क्या करते थे, वी बी लगाया था ना, आर बी पॉजिटिव दे रहे होते थे, पॉजिटिव देते थे ना आप, आई बी अंदर जाने के लिए पॉजिटिव दोगे ना वोल्टेज। पी एन पी में उल्टा है, या नेगेटिव दोगे या ग्राउंड दोगे, ठीक है, ओके। तो जनरली पी एन पी ट्रांजिस्टर्स रिक्वायर अ नेगेटिव वोल्टेज एट देयर कलेक्टर टर्मिनल विद द फ्लो ऑफ करंट थ्रू दी एमीटर। अब देखो उसमें कलेक्टर पे पॉजिटिव दिया हुआ था आपने, इसमें नेगेटिव दिया हुआ है। थ्रू द कलेक्टर एमीटर टर्मिनल्स बीइंग होल्स आर अपोज्ड टू द इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द होल्स अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर टेंड्स टू बी स्लोअर देन फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। पीएनपी ट्रांजिस्टर्स आर जनरली मोर स्लोअर देन देयर इक्विवेलेंट एनपीएन, स्लो जरा होते हैं। टू कॉज द बेस करंट टू फ्लो इन अ पीएनपी ट्रांजिस्टर, बेस नीड्स टू बी मोर नेगेटिव देन द एमीटर बाय अप्रॉक्सिमेटली 0.7 वोल्ट्स बाय सिलिकॉन डिवाइस, 0.3 वोल्ट्स फॉर अ जर्मेनियम डिवाइस। अच्छा जी, बेस करंट एंड कलेक्टर करंट्स आर द सेम एज यूज फॉर द इक्विवेलेंट एनपीएन ट्रांजिस्टर। फार्मूले इसमें वही होते हैं कि आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, और आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, आई बी इज इक्वल टू आई सी ओवर बीटा। ये सर्किट देखें इसका, कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में आपने जो आपका एमीटर है, पहले एमीटर ग्राउंड हो रहा था उसमें, अब एमीटर ऊपर प्लस वीसीसी के साथ लग गया, ऊपर आ गया, और कलेक्टर पहले ऊपर प्लस वीसीसी से लगा था, अब वो नीचे ग्राउंड पर आ गया। और बेस को देखें आप, बेस पे पहले उस पर आप प्लस वी बी दे रहे थे, ये देखो प्लस दे रहे हो ना, अब बेस को ग्राउंड कर रहे हो, ठीक है। तो ये देखें आप, ये सर्किट पे जरा गौर करें, इसमें दो रेजिस्टेंस है आर वन आर टू, एक रेजिस्टेंस है आर बी, और एक नीचे लोड, देखें इसमें लोड किधर लगा है, आर एल, वो नीचे कलेक्टर के साथ लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये जो स्विच है, ये सिलेक्टर स्विच है, अगर मैं इसको ऊपर कर दूं, यानी ये कनेक्शन कर दूं, तो ये ट्रांजिस्टर नहीं चलेगा, सही है, ये नहीं चलेगा। फिर अगर मैं स्विच को यूं कर दूं जैसे अभी है, अब चलेगा ये, और फिर करंट कैसे फ्लो करेगा, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ये करंट की डायरेक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है, करंट ऊपर से आके यूं जाएगा और वहां से मेन करंट यूं जाएगा, होगी, ओके। ये सारे सर्किट, ये वाला सर्किट बनवाया हुआ है जब मैं इंटरव्यू में पढ़ा रहा था, ये लैब में हमने बनाया था, तो ये चलता है। अगर आप इसको लैब पे जाके ब्रेड बोर्ड पे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं इसको। अच्छा जी, अब इसमें देखते हैं कि द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स फॉर द पीएनपी ट्रांजिस्टर लुक वेरी सिमिलर टू दोज फॉर एन इक्विवेलेंट एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक्सेप्ट दैट दे आर रोटेटेड बाय 180 डिग्री टू टेक अकाउंट ऑफ द रिवर्स पोलैरिटी वोल्टेजेस एंड करंट्स। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। मतलब स्विच में मैंने आपको क्या बताया, स्विच क्या होता है, स्विच इज आइदर ऑन और आइदर ऑफ, आइदर ऑन आइदर ऑफ, एम्पलीफिकेशन ही होती है उसमें, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसको यूज करते हैं, जैसे ये स्विच लगा हुआ है। अच्छा, एक चले आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि ये लाइट चल रही है, यहाँ पे एक चिपली आ जाती है जो इसकी लाइन और न्यूट्रल को, लाइन को कहते हैं हॉट वायर, न्यूट्रल को कहते हैं कोल्ड वायर, ठीक है, लाइन न्यूट्रल को शॉर्ट कर देती है, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट के नतीजे में क्या होगा, ह्यूज करंट फ्लो करेगा।
ह्यूज करंट फ्लो होगा, फिर क्या होगा, ब्रेकर गिर जाएगा। ब्रेकर कहाँ लगा हुआ है, डीबी पे लगा हुआ है बाहर, ये स्विच नहीं करेगा। तो इससे क्या सीखा आपने कि ब्रेकर आपकी सेफ्टी है, प्रोटेक्शन है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, ठीक है। स्विच इज नॉट योर प्रोटेक्शन, इट्स जस्ट देयर टू ऑन और ऑफ, टू कनेक्ट और डिसकनेक्ट द सर्किट। ये सवाल आपका क्लियर हुआ कि स्विच में और प्रोटेक्शन ब्रेकर में फर्क होता है। हाँ, ब्रेकर में दोनों चीजें हैं, ऑन ऑफ भी वो करा रहा है, लेकिन आमतौर पे हम करते ही हैं कि ब्रेकर को ना ऑन करके रख देते हैं, वो प्रोटेक्शन सेफ्टी है, और आगे ऑन ऑफ हम स्विच से ही करवा रहे होते हैं। हाँ, स्विच के लिए ये होता है कि स्विच के कॉन्टेक्ट अच्छे हों कि जिसमें उतना वोल्टेज और उतना करंट गुजर जाए, यानी स्विच जो हम सिलेक्ट करते हैं ना उसकी वोल्टेज और करंट रेटिंग पे करते हैं। अगर आप करंट ज्यादा है और स्विच हल्का लगाया हुआ है आपने, वो सड़ जाएगा, आपका जल जाएगा। इसी तरह वोल्टेज भी उसमें स्टैंड कर सके, जब क्योंकि जब वो ओपन होगा ना उसके क्रॉस सप्लाई वोल्ट आ रहे होंगे, तो वो इस काबिल हो कि इतने हाई वोल्टेज को बर्दाश्त कर सके। यानी 24 वोल्ट वाला स्विच आप 220 पे नहीं लगा सकते, खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। आगे बात समझ। तो स्विच का काम क्या है, मे ऑन ऑफ करना, प्रोटेक्शन कौन दे रहा है आपका, ब्रेकर। अब ये जो स्विच है आपके कमरों में लगा हुआ है, ये मैकेनिकल स्विच है जो कि आपकी उंगली से ऑपरेट कर रहा है ना, ऊपर करें तो ऑफ हो जाता है, नीचे करो तो ऑन हो जाता है। ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड है, अमेरिकन वाले उल्टे हैं, कहते उत्ते करो तो ऑन है, थले करो तो ऑफ है, इनकी लड़ाई ही है आपस में। तो ये मैकेनिकल है, ये मतलब ये स्विच क्या कर रहा है कि ये मैकेनिकल ही है। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच बनाना है, तो ट्रांजिस्टर से बना सकते हो। कैसे बनाओगे, वही सर्किट होगा, IB0 कर दो, स्विच बंद, IC0। और ये भी याद रखना, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अब ये जो था आपका सर्किट, ये वाला NPN ट्रांजिस्टर का जो सर्किट था, यही इसी के बाद मिसाल लेते हैं। इसमें जो करंट IC होता है वो R और VC पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, IB पे करता है। तो फिर भाई इसका क्या इफेक्ट है, VC और RC का क्या इफेक्ट, ओम लॉ में तो इन्हीं पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि अगर आप बैटरी बढ़ा दोगे तो करंट बढ़ जाएगा, और अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो करंट कम हो जाएगा, सिंपल ओम लॉ। लेकिन ट्रांजिस्टर में ऐसा नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ट्रांजिस्टर में यही बात समझने वाले कि ट्रांजिस्टर में जो IC करंट है वो IB पे डिपेंड कर रहा है, IC तो कुल बीटा IB, IB से वो चेंज हो रहा है IC। अच्छा, फिर इनका क्या इफेक्ट है, इनका भी इफेक्ट है, किस पर आ रहा है, VCE पर आ रहा है, क्योंकि VCE कैसे निकाला है, VCC माइनस IC RC। IB चेंज करोगे IC चेंज होगा, मसलन आपने IB बढ़ा दिया, IC भी बढ़ गया, IC RC बढ़ गया, तो VCE कम हो जाएगा, क्यों, VCC माइनस IC RC, उससे वो निकल रहा है। अच्छा, आपने क्या किया कि आपने IB कम कर दिया, तो IC भी कम हो जाएगा, IC कम हो जाएगा तो IC RC भी कम हो जाएगा, आपका VCE बढ़ जाएगा, क्यों, आ रही बात समझ। ये है ट्रांजिस्टर की डीप इनसाइड, कि जो ट्रांजिस्टर है उसमें जो आउटपुट साइड है ना, उसमें जो करंट है वो कहीं और से कॉर्न हो रहा होता है ना, इधरों नहीं कंट्रोल होता, पता नहीं किधरों कंट्रोल होता, ओ भाई वो पीछे IB तो कंट्रोल होता है, जो IC है वो IB से कंट्रोल होता है, इनसे नहीं होता, RC और VC से नहीं होता। लेकिन इसका इफेक्ट आता है किस पर आता है, VCE पर आता है इसका इफेक्ट, बात समझ रहे हैं आप। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें एक सिंपल ओम्स लॉ के अंदर और आपके जो ये ट्रांजिस्टर्स हैं इसमें आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। अच्छा, अब आ जाएं जी इसके ऊपर, अब फिर इसकी जो कर्व है, आपने देखा कि ये लोड लाइन आ गई एक, ठीक है, और दूसरी आपकी जो है वो ट्रांजिस्टर की कर्व्स आ गई, ठीक है। तो अब आपने जो है वो देखना है कि भाई सैचुरेशन रीजन में कहाँ चल रहा होगा ये। सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि VCE 0 के करीब करीब होगा, 0 से लेके 0.1 बहुत कम होगा। तो वो देखें जहाँ पे वो वोल्टेज कम है आपका, वो ये वाला जो रीजन है ये आपका सैचुरेशन रीजन है ये। और कट ऑफ में क्या होता है, करंट जीरो होता है, ऐसे ही होता है ना, करंट जीरो होता है। तो ये वाला रीजन, ये कट ऑफ रीजन है नीचे वाला, और ये वाला आपका सैचुरेशन रीजन है। तो आप यहाँ पे, यहाँ कहीं या वहाँ कहीं चला रहे होंगे, तो आपका ट्रांजिस्टर जो है दो एक्सट्रीम पे चल रहा होगा, आइदर ऑफ आइदर ऑन। तो उसको मैं कैसे फिर कनेक्ट करूँगा, मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल RC की जगह मैं क्या लगाता हूँ, यहाँ पर मैं रिले लगा देता हूँ, ये मैंने रिले लगा दी। रिले में क्या होता है, रिले में एक कॉइल होती है ऐसे, और आगे कॉन्टैक्ट के टाइप्स होती हैं, नॉर्मली ज़्यादातर ये चल रही होती है कॉमन, इसको कहते हैं SPDT,
सिंगल पोल डबल थ्रो एसपीडीटी, एक होता है नॉर्मली क्लोज, एक होता है नॉर्मली ओपन। मसलन ये आपकी है 12 वोल्ट की रिले है, 12 वोल्ट डीसी की फॉर एग्जांपल है, जब यहां पे कोई वोल्ट नहीं दिए होंगे तो ये सर्किट इस तरह कनेक्ट होगा। और अब इस पे मैं क्या कर सकता हूं कि डीसी सर्किट से मैं एसी सर्किट कंट्रोल कर लेता हूं, यहां मैं लाइन लगा देता हूं, यहां मैं फैन लगा लेता हूं, फैन, और यहां मैं न्यूट्रल लगा देता हूं, ठीक है। जब मैं इसको 12 वोल्ट रिले को दूंगा तो क्या होगा, ये टक की आवाज आएगी आपको इसमें से। तो टक की आवाज क्या हो रही है, कॉन्टैक्ट चेंज हो रहा है, ये जो पहले नॉर्मली क्लोज था अब ये ओपन हो जाएगा, और ये अब ये वाला सर्किट में एक हो जाएगा ये, तो ये वाला फैन आपका चल जाएगा, पंखा घूमना शुरू हो जाएगा। 12 वोल्ट डीसी, ये 5 वोल्ट डीसी भी आता है, 5 वोल्ट डीसी के सर्किट से मैं 220 वोल्ट एसी का सर्किट कंट्रोल कर रहा हूं, ये देखें। और इन दोनों में इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेट है, ये रिले अलग सर्किट है, इसको A1 A2 कहने आप, और ये लैदा सर्किट है, समझ रहे हैं बात को। उस रिले को उठा के आप इधर लगा दें, ये आपका हो गया नॉर्मली क्लोज, ये हो गया नॉर्मली ओपन, यहां पे लगा देता हूं मैं फैन, इसको न्यूट्रल लगा दें, और यहां पे आप अपनी हॉट वायर दे दें लाइन। तो जैसे ही, जैसे मैं यहां पे एक स्विच लगा देता हूं, जब मेरा ये स्विच ओपन होगा फैन नहीं चलेगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक स्विच पढ़ रहे हैं, फैन नहीं चलेगा, ये स्विच ओपन है बेस साइड का। जैसे मैं इसको क्लोज कर दूंगा और मैं रेजिस्टेंस को इस तरह से सेट किया होगा कि करंट मेरा आईबी सेट वाला गुजर, यानी मैक्सिमम करंट जिस पे वो सैचुरेशन में चला जाता है वो मैंने इसको सेट कर देना, तो इसमें क्या फ्लो करेगा, आईसी सेट, यानी मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, और उससे क्या होगा, रिले ऑपरेट हो जाएगी। रिले जब ऑपरेट होगी तो ये टक करके आपको आवाज आएगी, और ये आपका कॉन्टैक्ट क्यों मेक हो जाएगा, और आपका पंखा चल जाएगा, सही है। तो ये छोटे से सर्किट से, वीबी से, हम ये लाइन न्यूट्रल एसी सर्किट कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको समझने की जरा कोशिश करें, दिस इज द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, या कट ऑफ में या फिर सैचुरेशन में, एक्सट्रीम्स के ऊपर, ओके। तो अब मैं इसको पढ़ देता हूं आपको, कि व्हेन द व्हेन यूज्ड एज एन एसी सिग्नल एम्पलीफायर द ट्रांजिस्टर बेस बायसिंग वोल्टेज इज अप्लाइड सो दैट इट ऑपरेट्स विद इन इट्स एक्टिव रीजन एंड लीनियर पार्ट ऑफ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स आर यूज्ड, ये एम्पलीफायर में होता है। हाउएवर बोथ द एनपीएन एंड पीएनपी टाइप बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स कैन बी मेड टू ऑपरेट एज एन ऑन ऑफ टाइप सॉलिड स्टेट स्विच। सॉलिड स्टेट स्विच यानी ये जिसमें ये आपके सॉलिड स्टेट डिवाइसेस जिसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते, मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते। अच्छा, सॉलिड स्टेट स्विच फॉर कंट्रोलिंग द हाई पावर डिवाइसेस सच एज मोटर्स, सोलेनाइड्स और लैंप्स। इफ द सर्किट यूजेस अ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच देन द बायसिंग इज अरेंज्ड टू ऑपरेट इन द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स सीन प्रीवियसली एज सैचुरेशन और कट ऑफ, यानी दो रीजन है। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई किन दो रीजन में आपका ट्रांजिस्टर एज अ स्विच ऑपरेट होता है, तो उसमें जहां पे लिखा होगा सैचुरेशन एंड कट ऑफ वो एमसीक्यू ठीक होगा, बाकी अगर लिखा है कि एक्टिव कट ऑफ, एक्टिव सैचुरेशन, वो सारे नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, वो सारे गलत हैं। सिर्फ कौन सा ठीक है, सैचुरेशन और कट ऑफ, ओके। सैचुरेशन का मतलब है फुल ऑन, कट ऑफ का मतलब है फुल ऑफ, ओके। तो ये जनाब आपका ट्रांजिस्टर एज अ स्विच की थ्योरी, ये है सर्किट। अब देखें ये सर्किट वही है जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया, ये इसको कहते हैं सिंगल पोल सिंगल थ्रो, दो कॉन्टैक्ट है ना सिंपल, ये जैसे ये आपका सिंगल पोल सिंगल थ्रो, ये देखिए ये पहले क्या है नॉर्मली ओपन है, जैसे ही रिले ऑपरेट होगी ये क्या हो जाएगा क्लोज, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज और नोट करें, ये क्या लगा हुआ है और ये कैसे लगा हुआ है, नहीं इस टाइट का मुंह ठीक है, इसको बोलते हैं फ्री, सही है मुझे, इसको कहते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट है। देखो इसको मैं जल्दी से आपको बताता हूं, देखो जब ये ट्रांजिस्टर ओपन होगा तो थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए, इसके अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज आने चाहिए ना, लेकिन ये है रिले, इंडक्टर होती है, कॉइल होती है, इंडक्टर अपने अंदर एनर्जी स्टोर करती है। जब ये ट्रांजिस्टर चल रहा होगा फॉर एग्जाम्पल, तो यूं करंट फ्लो कर रहा होगा, तो यहां पे क्या होंगे पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज इसमें डेवलप हो जाएंगे, तो
तो इंडक्टर में होता है लेंजेज लॉ। जब ये स्विच ओपन होता है ये रेजिस्ट करेगा, इसको जो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है ये कहेगा कम ना हो, उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। तो जो पहले ये अपोज कर रहा था बैटरी को प्लस माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा सपोर्ट करने की जरूरत, ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। समरी ये है कि इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। जब पोलैरिटी चेंज होगी हम अज्यूम करते हैं कि इंडक्टर में भी इसके बराबर ही वोल्टेज डेवलप हो जाते हैं, एनर्जी स्टोरेज है ना, हम अज्यूम कर। तो ये अगर वीसीसी इधर भी वीसीसी आ जाएगा किस्म का, ये इससे काम ही होगा वैसे तो, लेकिन माइनस प्लस जब होगा तो प्लस माइनस इसका ग्राउंड ये दोनों जमा हो जाएंगे। तो स्विच के क्रॉस कितने वोल्टेज आएंगे फिर, ज्यादा, बैटरी से ज्यादा, जितना भी सप्लाई का सोर्स होगा ना उससे ज्यादा वोल्टेज आएंगे। तो स्विच आपका बर्न हो सकता है, स्विच डैमेज हो सकता है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, आप क्या करोगे, आप कहोगे सर मेरे पास इसका हल है। क्या हल है भाई? सर मैं डायोड उल्टा करके लगा देता, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो ये ओपन होगा, वो यहाँ प्लस है इधर माइनस है, रिवर्स बायस है, लेकिन जैसे ही यहाँ माइनस प्लस होगा रिले में, जैसे ही करतब दिखाएगी तो डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस शॉर्ट हो जाएगा। तो ये जो वोल्टेज आने चाह रहे थे, जो एक शर पैदा होना चाह रहा था, वो साथ ही शॉर्ट हो जाएगा। समझ रहे बात को? ये शॉर्ट करा देगी, और कोई भी आप शॉर्ट करा दो तो क्या होगा कि जो करंट होगा ना इसके अंदर एनर्जी होगी वो यहां से डिसिपेट हो जाएगी, वो इसको नहीं महसूस होगी क्योंकि इसके लिए तो ये शॉर्ट हो गया ना, तो वीसीसी इसके ऊपर आएगा। समझ आई? इसको कहते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड। ये मैंने अपने सर्किट में जो मैंने बनाया था आपको मैं दिखाऊंगा, जो मैंने अपने वो कमरे में ऑटोमेशन का एक लगाया था रिमोट से ना, मैंने वो रिलेज लगा के लाइट पंखे वगैरह कंट्रोल किए थे, उसमें ये मैंने लगाई थी, उसमें चैटरिंग होती थी रिले की, तो मैंने ये लगाया था फ्री व्हीलिंग, उसे ठीक हो गई थी, तो मसला नहीं होता था उसमें। तो एनी हो, वो उसमें और भी बड़े इशूज थे। अच्छा, इस पर हम वापस आते हैं। हाँ, दिस सर्किट रिजेंबल्स दैट ऑफ द कॉमन मीटर सर्किट वी लुक्ड इन द प्रीवियस tutorials. The difference this time is that to operate the transistor as a switch, transistor needs to be turned either cut off or fully on. An ideal transistor switch would have an infinite resistance when turned off. ये देखें, ये आपको पता है कि ideal switch क्या होता है जब उसको off करते हैं, ये समझे भाई, ideal switch को समझें। Ideal switch जब off होगा तो resistance क्या होगी, infinite, current zero, ऐसे होगा ना, I is equal to V over R, R infinite होगी तो zero होगा current, ऐसे ही है। और जीरो रेजिस्टेंस में टर्न ऑन, और जब टर्न ऑन हो जाएगा तो वो आइडियली शॉर्ट होगा, यानी उसके क्रॉस उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो जीरो होगी। शॉर्ट की रेजिस्टेंस क्या होती है, जीरो, ठीक है। रिजल्टिंग इन मैक्सिमम करंट फ्लो इन प्रैक्टिकल व्हेन टर्न ऑफ, स्मॉल लीकेज करंट फ्लो थ्रू द ट्रांजिस्टर व्हेन फुली ऑफ, डिवाइस हैज अ लो रेजिस्टेंस कॉजिंग अ स्मॉल सैचुरेशन वोल्टेज वीसी, यानी 0.1 वोल्ट के क्रॉस होता है। इन बोथ द कट ऑफ सैचुरेशन रीजंस द पावर डिसिपेटेड बाय ट्रांजिस्टर इज एट इट्स मिनिमम। देखो ना, P इक्वल टू वी आई, अब इसमें V अगर जीरो कर दो पावर जीरो, I जीरो कर दो पावर जीरो, कट ऑफ में I जीरो हो रहा है या बहुत कम हो रहा है नैनो एम्पियर के अंदर, तो पावर कम होगी। और जब सैचुरेशन में आपका V जीरो हो रहा है या 0.1 है, बहुत कम है, तो पावर तब भी कम होगी। तो ये बेसिकली कहना चाह रहा है, टू मेक द बेस करंट फ्लो द बेस इनपुट टर्मिनल मस्ट बी मेड मोर पॉजिटिव देन द मीटर बाय इंक्रीजिंग इट अबव, यानी वो जो VBE है करंट तब फ्लो करेगा जब VB माइनस VBE, यानी ये वोल्टेज जो VB है ना ये इससे ज्यादा होना चाहिए, ऑब्वियसली ये 0.7 है तो ये 0.7 से ज्यादा होना चाहिए तभी करंट फ्लो करेगा, ठीक है। मस्ट बी मेड मोर पॉजिटिव बाय मीटर 0.7 वोल्ट फॉर अ सिलिकॉन डिवाइस बाय वेरिंग द बेस मीटर वोल्टेज द बेस करंट इज ऑल्टर्ड व्हिच इन टर्न कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ कलेक्टर करंट फ्लोइंग थ्रू द ट्रांजिस्टर व्हेन मैक्सिमम करंट फ्लोस थ्रू ट्रांजिस्टर सेट टू बी सैचुरेटेड द वैल्यू ऑफ द बेस रेजिस्टेंस डिटरमाइन हाउ मच इनपुट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड एंड कोरेस्पोंडिंग बेस करंट टू स्विच ट्रांजिस्टर फुली ऑन। अच्छा, एग्जांपल करते हैं using the transistor values from the previous tutorials, beta कितना आपका 200, IC 4 मिली है तो हमने कर लिया होगा ना, IC 4 मिली और beta आपका कितना है 200, ठीक है, और IB कितना है 20 micro, कह रहा find the value of base resistor required to switch the load on when the input terminal voltage exceeds 2.5 volt, RB क्या होगा, formula में put कर दो, VB minus VBE, VB कितना है 2.5 minus 0.7 तकसीम IB, IB कितना है 20 माइक्रो, ठीक है, वो निकाल लें फटाफट, 2.5 माइनस 0.7 ओवर 20 माइक्रो, 90 किलो ओम, 90 के रेजिस्टेंस लगाओगे।
अच्छा अगेन यूजिंग द सेम वैल्यूज फाइंड द मिनिमम बेस करंट रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द फुली ऑन सोलर लोड का 200 मिली। अब आईसी आपका 200 मिली है, आईसी कितना है आपका 200 मिली, तो आईबी कितना होगा, आईबी फाइंड फाइंड द मिनिमम बेस करंट, तो आईसी ओवर आईबी मतलब आईसी ओवर बीटा, उससे आपका आईबी आ जाएगा। तो निकालें जरा 200 मिली, हाँ 1 मिली, यानी अगर इसको सैचुरेशन में ले जाना तो उसने हमें डेटा शीट से बता दी कि भाई 200 मिली पे सैचुरेशन है, तो 200 मिली पे अब आपको कितना देना बेस पे 1 मिली। अब 1 मिली के लिए ऐसे रेजिस्टेंस निकालें, काम हो जाएगी, कैसे निकालोगे 2.5 करें जरा प्लीज, 2.5 माइनस 0.7 तकसीम 1 मिली, 2.5 माइनस 0.7 तकसीम 1 मिली, 1.8 किलो हम, हाँ यानी अगर आप रेजिस्टेंस 1.8 किलो पे करेंगे ना फिर ये सैचुरेशन में चला जाएगा। आगे बात समझ, ऊपर जो है वो 20 मिली 20 यहां पे 20 माइक्रो के लिए जो है वो 90 के थी, लेकिन अगर सैचुरेशन में लेके जाना है तो आपको कितनी लगानी है 1.8 के। बात आ गई समझ, यानी आईबी को बढ़ाना है ना, रेजिस्टेंस कम करो फिर, तो 90 किलो ओम से कम करके कितने रह जाएगी 1.8 किलो ओम। ओके, तो ट्रांजिस्टर स्विचेस आर यूज्ड वाइडली इन अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। ये मैं सर्किट मैंने सबसे ज्यादा यूज किया होगा अपने दौर के अंदर, कोई भी स्विच आप इससे बना सकते हैं, जैसे ये मैंने अभी आपको बताया रिले लगा के ना, फैन कंट्रोल सर्किट, ये वाला सर्किट, ये सर्किट है भाई आपका, ये सर्किट है। अब आप इससे, आपको एक प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, उसमें आप इस सर्किट को यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे और भी सर्किट्स आ रहे हैं, एफईटीज के भी आएंगे, लेकिन इस अब तक का ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट है ये ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज होता है। चलिए आगे चलते हैं जी। ट्रांजिस्टर स्विचेज आर यूज फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन सच एज इंटरफेसिंग लार्ज करंट और हाई वोल्टेज डिवाइसेज लाइक मोटर्स डिलेज और लैम्प्स टू लो वोल्टेज डिजिटल लॉजिक आईसीज गेट्स like AND gates or gates, hence the output from the digital logic gate is only 5 volt but the device to be controlled required 12 and 24 volt. DC motor jo hai, may need to have its speed control using a series of pulses, pulse and transistors which will allow to do this faster and more easily than conventional mechanical switches. Acha, ye PWM hai, PWM kya hota hai, pulse width modulation hota hai, ye aage jaake main aapko mazeed isme jo hai wo hum karenge, aage next aapke jo hai na usme। तो अभी जो है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।